हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी लोगों को सुप्रभात। तो दोस्तों, आरओ एआरओ की विज्ञप्ति कब प्रकाशित होगी, कई अभ्यर्थियों के प्रश्न यहां पर देखने को मिले। साथ ही आपको बताने वाला हूं जो सिलेबस का टर्निंग पॉइंट है, जहां से आपका सिलेक्शन ऊपर लेवल पर जाएगा, हाई लेवल पर जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उनका एक मुख्य पॉइंट है सिलेबस का, वो है MR, S और CA। इनका विस्तृत विवरण इस वीडियो में दूंगा। और इन जो मैंने सिलेबस बताया है, ये जो आप जिसके साथ अपनी दोस्ती करनी है, यानी मान के चलिए, इनकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे, अभी आप जितना अपने को तपा सकते हो तपा लो, क्योंकि देखिए ड्रीम जॉब है आरओ एआरओ, ये किसी को प्राप्त नहीं होती यदि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर कर ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर इस जॉब को प्राप्त करना है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस बार नोटिफिकेशन कब आएगा जिसके बारे में मैं अनुमानित बता सकता हूँ आपको, अगस्त के एंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। फिलहाल अनुमानित है, ये सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस का टर्निंग पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सिलेबस हर किसी को पता है, जिसके लिए आपको 150 प्रश्न दिए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं और समय अवधि आपकी 2 घंटे की होती है। जिसमें बताएं तो 2023 में जो सिलेबस रहने वाला है, आपको पता है कि इसमें जो GS है और उत्तराखंड की GK है, ये 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स रहेगा। और जहाँ हम बात कर रहे हैं MR की, MR मतलब मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स वाला रीजनिंग पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। यह प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में यदि आपको टॉप करना है यानी एग्ज़ाम निकालना है, कम से कम आपको यहाँ पे 100 से लेकर 125 की रेंज में आना है, क्योंकि कट ऑफ अनुमानित रेंज की कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है। इसको क्रॉस करना है तो आपको यहाँ पर मैथ रीजनिंग पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि आप सेफ स्कोर कर लेते हैं 100 में से, यदि 100 क्वेश्चन हैं आपके मैथ उत्तराखंड वगैरह, उत्तराखंड करंट अफेयर, साइंस वगैरह, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इसमें यदि आप 75 या फिर यहाँ से 50 या 55 मार्क्स भी ले आ 55-56 मार्क्स भी ले आते हैं, उसके बाद 65 भी मार्क्स गेन करते हैं, और साथ ही मैथ रीजनिंग वाले सेशन से आप यदि 35 या फिर 30 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं, तो आप इस रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, बात खास बात यह है कि जो आपकी मैथ्स रीजनिंग होगी, यह आपकी प्रीलिम्स तक ही होगी, मेंस में यह यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। मैथ्स पर आपको परेशान नहीं होना है, मैथ्स रीजनिंग में, मैथ्स में क्वेश्चन इस टाइप के पूछ जाएंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। तो 10th स्टैंडर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप देखते हैं, यदि आप हो सके तो 10th की जो MC 10th की जो मैथ्स की बुक है, उनको ज़रा बहुत आप वो कर लें, रिवीजन कर लें। आपको वो वाले टॉपिक देखने हैं, जैसे कि वो वाले टॉपिक देखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ना कि अनदर सिलेबस या अनदर चैप्टर पर फोकस ना करें। ठीक है, MR से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, MR के लिए आप जो बुक परचेज करेंगे, कोई भी मैथ्स की बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही GS के लिए मैंने बता रखी है आपको, दृष्टि IS की बुक है, वो आप परचेज कर लें। दृष्टि IS आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास और सारे लक्ष्मीकांत वगैरह ये सारे बुक हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं, परंतु दृष्टि IS बेस्ट है। यदि आप परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें आपको कौन कौन से यहाँ पर प्रीलिम्स में फोकस करने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में फोकस करने के लिए उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस ना करें इसको आप, क्योंकि आपने इसमें पहले से ही पकड़ बना रखी है। नई अभ्यर्थी हैं तो आप ज़रूर इसके लिए तैयारी करें। GS है, उसके बाद करंट अफेयर है और कंप्यूटर, ये हैं, इन पर आपको फोकस बनाना है। GS के लिए मैंने बताया दृष्टि IS, करंट अफेयर के लिए आप ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर आपको तैयार कैसे करना है बताऊं तो, करंट अफेयर के लिए 2023 का जो ईयर है उसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर आपने फोकस करना है। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो वहां से भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। साथ ही कंप्यूटर के लिए आप
कंप्यूटर जो है इसमें भी आपको 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी के लिए आप लूसेंट कंप्यूटर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मैंने बताए थे, MR प्लस साइंस बताई थी, प्लस मैं आपको करंट अफेयर पर फोकस करना है। तो देखिए MR जो है 50 क्वेश्चन होंगे, साइंस से अभी आपको 9 या 8 या 10 क्वेश्चन दिखेंगे, और इसमें भी आपको 12 से लेकर 14 क्वेश्चन दिखेंगे। यह आपके टर्निंग पॉइंट का एक पार्ट है, मतलब सिलेबस का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि आपने इन पर फोकस कर लिया, प्लस में आपने उत्तराखंड GS पर भी कमांड बना ली, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रीलिम्स की जो रेंज है ना, मेरिट रेंज है, वहाँ पर आप क्रॉस कर जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 100 से लेकर 125 तक की रेंज रहेगी। उसके बाद यदि आप निकल जाते हैं तो MR आपको पढ़ना है नहीं, क्योंकि मेंस में पता है, मेंस में आपसे MR या मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। आपसे मात्र पूछा जाएगा उत्तराखंड, पूछा जाएगा GS, पूछा जाएगा और साथ ही साइंस पूछा जाएगा और करंट अफेयर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपको इन 4 टॉपिक पर फोकस करना है। फिलहाल आपको मैथ MR पर दोस्ती करनी ही पड़ेगी। MR यदि आपका सही है, मैथ रीजनिंग सही है, तो आपका यहाँ पर डेफिनेटली प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, और मेंस में फिर छटनी हो ही जाती है। कम बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ आपको फाइट करना होगा, और फाइट करने के लिए जो अभ्यर्थी होंगे वह एक स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर 150 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन पेपर होता है। आपको यहाँ पर 100 से लेकर 125 की रेंज तक पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ तक का पुशअप आपको करना ही करना है, ठीक है। तो जनवरी से लेकर आप जुलाई तक करंट अफेयर फोकस कर लेते हैं तो आपका 60% कवर हो जाता है, और उसके पहले भी यदि आप कर लेते हैं, क्योंकि 40% जो करंट अफेयर हो जाएगा वो बैक साइड का हो जाता है, यानी 1 साल से पुराना करंट अफेयर होता है, तो उन पर भी फोकस आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस के लिए आप क्या करें, साइंस के लिए आप लूसेंट की एक साइंस बुक परचेज कर लीजिए, और लूसेंट के साथ साथ आप एक साइंस MCQ बुक को भी परचेज कर लें, ठीक है। इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन 4 टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका विज्ञापन जो है इस अगस्त के एंड वीक में देखने को मिल सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको जानकारी मिल जाएगी। यह चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।